That's it. काम है एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे काम मिलके ये जो हमारा बलिदान स्तंभ बनने जा रहा है तो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो बेसिक रूट काम है वो भले ही हमारा ये ले करना हो, स्तंभ बनाना हो या फिर जो ये हमारा महाराजी ब्रिक्स का काम था ये कंप्लीट हो गया है। अब पाथ वगैरह ले कर रहे हैं, ग्रेनाइट ले कर रहे हैं जो कि लास्ट लेग का काम होता है, तो 10-11 दिन का काम जो है ये ऐसा नज़र आता है कि बचा है। आप देखते हैं हमारे साथ जो जितने लेबर है और सब लोग हैं उसके हिसाब से 10-10 दिन का काम है, तो और मुझे उम्मीद है कि आने वाले उसी हिसाब से जो हमारे टाइमलाइन है 10-15 दिन की तब तक ही फिनिशिंग में आपको नज़र आएगी। जो ब्रिजेस अभी श्रीनगर स्मार्ट सिटी की तरफ से बने हैं वहाँ पे कहीं ऐसी फिनिशिंग ना होने की इशू नहीं है, बट जैसा आप बता रहे हैं अगर कुछ ब्रिजेस हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जिनकी फेंसिंग डैमेज है या कहीं पे ऐसा कुछ इशू है तो हम SMC में बजट में इसमें प्रोविज़न रख सकते हैं। जो कि हमारी SMC के रोड्स हैं उसमें हम अभी हमें रिसेंटली ट्रांसफ़र हो गई है तो उनमें हम फेंसिंग का प्रोविज़न रख सकते हैं और वो रख लेंगे, और बाकी जहाँ पर कोई ऐसा इशू होगा तो RND नॉर्मली मेनटेन करता है इन ब्रिजेस को तो उनके साथ भी टेकअप करते हैं। हमारे जो रोड्स हैं स्मार्ट सिटी के वहाँ पर इस तरह का इशू नहीं है क्योंकि हमारे जो काम है, इसीलिए मैंने पहले भी कई बार ये जिक्र किया कि हमारे जो काम है वो सिर्फ मैग्नमाइजेशन का नहीं है, मैग्नमाइजेशन के साथ साथ सीवरेज, ड्रेनेज, जो अंडरग्राउंड कंड्यूटिंग होती है यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स अंडरग्राउंड डालते हैं वो सारा कुछ करके फिर रोड बना के, फुटपाथ बना के फिर मैग्नमाइज है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो हमारे वाले कामों में ऐसा नहीं है, बट अगर कहीं पर हो रहा है तो हो सकता है दूसरी रोड हो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मली जो रोड्स हम देखते हैं हम लोग बोलते हैं कि शायद यहाँ पर काम चल रहा है तो मैग्नमाइज तो जल्दी हो जाना चाहिए, बट क्योंकि इसमें बाकी काम भी रहे हमारे रोड्स में जिसमें सीवरेज डालना रहा, ड्रेनेज डालना रहा, फुटपाथ बनाने रहे, पार्किंग स्पेस बनानी रही और इलेक्ट्रिकल वायर डाला, तो उसको जो टाइम लगता था, नॉर्मली ये काम हर साल में एक एक प्रोजेक्ट उठाया जाता था और 4-5 साल का काम होता था, वो हमने एक साल में समेटा है और उसको कंप्लीट किया और हमारे काम नियरली कंप्लीशन है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं पर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हुई इन कामों की वजह से कहीं पर दोबारा रोड उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमारे काम फिनिशिंग पे ही है, लास्ट फिनिशिंग में है, बीच में
हमारा एक महीने का जो टाइम था अप्रैल महीना, उसमें बारिशों की वजह से काफ़ी काम रुका रहा था, तो वो काम हम कवर अप कर रहे हैं, वही एक महीना हमें एक्स्ट्रा लग रहा है। और अगर मैं पूरी फिनिशिंग की बात करूँ जिस हिसाब से काम चल रहा है, तो आने वाले डेढ़ महीने में, डेढ़ से दो महीने में हम कम्प्लीट देखेंगे काम।